अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि विक्टोरिया ने अपना लेटेस्ट राउंड किया जो कि 13 मार्च को हुआ है। तो उसमें कुछ प्रोफाइल सेलेक्ट हुए हैं, कुछ मेरे पास डाटा आया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑनशोर भी होंगे, ऑफशोर भी होंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियर की बात करते हैं और 190 की सबसे पहले बात करेंगे। सिविल इंजीनियर है एक, उसको 80 पॉइंट पे आया 190 और ऑनशोर कैंडिडेट है ये। नेक्स्ट है आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जिसको 90 पॉइंट पे आया 190 ऑनशोर है ये भी कैंडिडेट। इससे नेक्स्ट जो है वो आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट है जिसको 95 पे आया 190 ऑनशोर कैंडिडेट है। आईसीटी ट्रेनर है 80 पॉइंट्स पे आया 190 ऑनशोर। रजिस्टर्ड नर्स है एज्ड केयर की, उनको 65 पे आया 190 ऑनशोर, जो कि बहुत अच्छी बात है। अर्ली चाइल्डहुड स्कूल टीचर हैं जिनको 75 पे आया है 190 ऑनशोर कैंडिडेट है। रजिस्टर्ड नर्स है 80 पे आया 190 ऑनशोर है। इसी तरह आईसीटी ट्रेनर है 80 पे आया 190 ऑनशोर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को 90 पे आया 190 ये भी ऑनशोर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इनको 90 पे आया 190 ये भी ऑनशोर है। बिजनेस एनालिस्ट आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट 90 पे आया 190 ऑनशोर। सॉफ्टवेयर अब बात करेंगे 491 के बारे में कि 491 क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर विक्टोरिया ने जो है विड्रॉ की है नॉमिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिनको 105 पॉइंट पे ये नॉमिनेशन आया और ये ऑफशोर कैंडिडेट है। आईसीटी सपोर्ट इंजीनियर है जिनको 100 पे आया 491 ऑफशोर कैंडिडेट है। मैकेनिकल इंजीनियर है जिनको 85 पे आया ऑफशोर कैंडिडेट है 491। रजिस्टर्ड नर्स है जिनको 70 पे आया 491 ये भी ऑफशोर है। इसके अलावा आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट की बात करूँ 95 पे आया 491 ऑफशोर है। और आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को आया 100 पे आया 491 अच्छा और ऑफशोर है। अब मैं आप लोगों के साथ एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए विक्टोरिया ने अपना जो लेटेस्ट राउंड किया है, विक्टोरिया के बारे में एक चीज़ बहुत कॉमन है जिस जिसको भी इन्वाइट आया वो ये है कि विक्टोरिया ने जिन लोगों के पास भी स्किल्ड पार्टनर हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया है एज़ कम्पेयर टू अगर एक प्रोफाइल 90 पॉइंट पे और वो सिंगल है और उसके अदर साइड पे एक प्रोफाइल 85 पॉइंट्स पे है लेकिन उसके पास स्किल्ड पार्टनर है तो विक्टोरिया ने क्या किया है स्किल्ड पार्टनर को इनवाइट दिए हैं। तो ये बेसिकली एक कॉमन एक चीज़ देखने को नजर आई है कि स्किल्ड पार्टनर वाले लोगों को इन्विटेशन ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल के। और दूसरी बात यह है कि विक्टोरिया के पास अब जो 190 की जो एलोकेशंस रह गई हैं इस ईयर्स की, जो एक रफली आइडिया है तकरीबन 425 एलोकेशन जो है 190 की रहती हैं। 491 की डाटा कलेक्ट करके मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लेकिन 190 की कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो कि 425 के अप्रोक्सीमेटली 190 की जो एलोकेशन हैं वो रहती हैं। एक और चीज़ अगर आप इस चीज़ में देखें कि विक्टोरिया ने ज़्यादातर जो अपने नॉमिनेशन दिए हैं वो एक हेल्थ केयर में दिए हैं और दूसरा जो है आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिए हैं। ठीक है तो ये और तीसरी चीज़ ये है कि ऑनशोर कैंडिडेट्स को प्रेफर किया गया एज़ कम्पेयर टू ऑफशोर के। और चौथी चीज़ ये है कि अगर आप 491 की बात करें तो 491 के मैंने आपके साथ जितने भी प्रोफाइल शेयर किए मोस्टली के पॉइंट जो हैं वो 90 प्लस हैं 100 105 95। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है और उसके बाद जाकर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उन्हें विक्टोरिया से नॉमिनेशन आए हैं। तो ये क्वेश्चन जो मुझे बार बार आता है कि भाई अब मेरे पॉइंट्स 75 हैं 80 हैं, तो अगेन यार डिपेंड ऑन योर ऑक्यूपेशन, लेकिन जो अब कंपटीशन का लेवल चल रहा है मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोग अपने पॉइंट्स जो हैं समहाउ किसी भी तरह से गुंजाइश है उनको बढ़ाने की उनको ज़रूर बढ़ाएं। उनको अगर 80 हैं उनको 90 पे लेके जाएं, 90 हैं तो 100 की अप्रोच में लेके आएँ। आने वाले साल में क्या होने किसी को नहीं पता लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि अब बहुत कम इनवाइट जो हैं स्टेट्स के पास रह गए हैं और अगर आप उन लोगों से उन चीज़ से अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो अपने स्कोर को बेहतर करें ताकि आपको स्टेट्स जो हैं कंसीडर करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम राइट प्लेटफॉर्म। स्टे ट्यून विद मी, अल्लाह हाफिज़।